प्रश्न है जो कह रहा है द्विघात समीकरण से, कह रहा है कि एक समीकरण के मूल दोनों मूल बराबर हैं तो पी का मान ज्ञात कीजिए। पी एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट फाइव पी एक्स प्लस 15 इक्वल टू जीरो। अब कह रहा दोनों मूल बराबर हैं, तो जब दोनों मूल बराबर हैं तो तुलना कर लिया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। ए इक्वल टू क्या मिलेगा, पी। बी इक्वल टू माइनस टू रूट फाइव पी सी इक्वल टू क्या मिलेगा 15। तो जब मूल बराबर है तो बी स्क्वायर बराबर 4ac जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, तो d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। ये वैल्यू रख दिया जाए इक्वल टू 3 समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये कह रहा है मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, यानी कि मूल अल्फा बीटा हो तो मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो। तुलना कर लिया जाए तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 7 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 12। ये मान रखा जाए 1/α + 1/β, तो इसको एलसीएम लिया जाए तो अल्फा बीटा बीटा प्लस अल्फा क्रम से लिख दिया जाए तो अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान 7 है और अल्फा इंटू बीटा का मान 12 है, तो ये मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल
मिल जाता है। ये समीकरण है एक बटे एक्स प्लस फोर माइनस वन अपान एक्स माइनस सेवन इक्वल टू एलेवन अपान थर्टी। इसको हल किया जाए, एलसीएम हो गया एक्स प्लस फोर और एक्स माइनस सेवन, एक्स माइनस सेवन माइनस एक्स माइनस फोर, ये कैंसिल। माइनस ग्यारह बटे इसको लिख लें तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी एट, गुणा कर लिया जाए, एलेवन से एलेवन कैंसिल हो गया, माइनस थर्टी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट। पक्षांतर कर दिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब मिडिल टर्म को तोड़ा जाए, टू इंटू वन टू होगा और टू प्लस वन थ्री होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन ले लिया जाए तो एक्स माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो जो वैल्यू मिलेगा क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू टू।